असल क्रिकलिंग की एक नई वीडियो के साथ जनेदिन आपकी ख़ुद ने हाजिर है बाबर आजम ने जवाब दे दिया है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को जी हाँ दिनेश कार्तिक ने पहले एक तारीफ़ें की थी एक आईसीसी को इंटरव्यू देते हुए बाबर आजम की कि बाबर आजम जो है उनका बैलेंस बहुत अच्छा है और बाबर आजम जो है वो वाद दु, दु, दुनियाई क्रिकेट के बैट्समैन हैं जिनको वो समझते हैं कि जो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं और जो तीनों फॉर्मेट में एक वक्त पे टॉप कर सकते हैं यानी टी ट्वेंटी और ओ में वो पहले ही पहले नंबर पर हैं और टेस्ट में भी वो पहले नंबर पर आ सकते हैं बहुत जल्द क्योंकि वो समझते हैं कि आगे कुछ टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं पाकिस्तान की कुछ टेस्ट मैचेस पड़े हुए हैं बाबर आजम के तो बाबर आजम दुनियाई क्रिकेट में पहले बल्लेबाज हो सकते हैं जो सारे फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर आए जी हाँ यही सवाल बाबर आजम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया के दिनेश कार्तिक साहब ने यह कहा है आपके बारे में तो आपका इस पे जवाब क्या है या आपका तासर क्या है तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है कि हर शख़्स ये चाहता है और हर प्लेयर की यह ख्वाहिश होती है कि वो टॉप वन ही रहे और सबसे ज़्यादा टॉप पे वही रहे हाँ ये बात अलहदा है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और बाबर आजम कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ जी हाँ जो आ, पहले नंबर पर आने वाली प्रोडिक्शन है दिनेश कार्तिक की उसके लिए मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ तैयार हैं बाबर आजम बल्कि पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं जान लगा रहे हैं और वो भी ये समझते हैं और उनकी भी ये ख़्वाहिश है कि बहुत जल्द वो जो है वो तीनों फॉर्मेट में पहले नंबर पर आकर तारीख़ रकम करेंगे और मजीद कहना था बाबर आजम का कि आ, वाइट कर, वाइट बॉल जो क्रिकेट है यानी ओडीआई और टी उसमें तो बड़ा बेहतरीन जा रहा है सारा कुछ और बड़ी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चल रही हैं और उनकी रैंकिंग जो है वो बड़ी अच्छी है बाकी जो दूसरे नंबर पे हैं उनके बाद वो काफ़ी गैप्स हैं जबकि टेस्ट में वो पाँचवें नंबर पर हैं तो रेड बॉल पर वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा फ़ोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ अब जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में खेलना शुरू कर दिया है और अब फॉर्म लगना शुरू हो गई है उनकी बाकायदा तौर पर हमने जो टेस्ट सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो देखी बाकायदा तौर पर और उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बाबर आजम ने ख़ास तौर पर जो उन्होंने 196 की वो जो इनिंग खेली थी उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की और बड़े बड़े लैजेंडरी जो क्रिकेटर्स हैं वो मोतरफ हुए बाबर आजम के उसकी वजह से और इसी वजह से अब लोगों का ख्याल है कि जो रेड बॉल की फ़िटनेस थी जो ऑन द मार्क नहीं थी बाबर आजम की शायद जो फॉर्म थी वो उतनी बेहतरीन नहीं थी जो शायद वो वो वापस आ रही है और बाबर आजम जो है वो वापस उसी तरह की फॉर्म में आ रहे हैं जैसे वो टी ट्वेंटी और ओडियाज में है जी हाँ टी ट्वेंटी और ओडियाइज में जैसे वो पहले नंबर पर हैं ऐसे ही लग रहा है कि टेस्ट में भी वो बहुत जल्दी पहले नंबर पर आ जाएंगे यानी जो अगली कुछ सीरीज़ हैं अगर उसमें बाबर आजम अच्छी एवरेज के साथ स्कोर करते हैं और जो है वो कुछ सेंचरियाँ करते हैं कुछ फिफ्टीज़ करते हैं एक अच्छी एवरेज के साथ नॉट आउट जाते हैं और एवरेज बेहतर करते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि पूरा का पूरा उनके पास मौका है कि वो पहले नंबर पर आएँ और सारी दुनिया में एक नाम ना सिर्फ पाकिस्तान का पैदा करें बल्कि पूरी जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें तारीख़ रकम करते हुए पहले बल्लेबाज बन जाएं जो कि टॉप वन पे हों तीनों फॉर्मेट्स में हालांकि टॉप फ़ाइव में भी कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है उनके अलावा जो फै फोर के बल्लेबाज़ हैं वो किसी एक फॉर्मेट में तो टॉप फ़ाइव में होंगे लेकिन सारे फॉर्मेट्स में टॉप फाइव में कोई भी नहीं है बाबर आजम के अलावा आप केन विलियमसन को देख लें आप जोए रूट को देख लें आप स्टीव स्मिथ को देख लें विराट कोहली की फॉर्म तो बहुत बुरी चल रही है आपने वो भी देखा लेकिन अब दिनेश कार्तिक जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और भारतीय क्रिकेटर से ज़्यादा तारीफें सुनने को मिलती नहीं पाकिस्तान की लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ मौतरफ हैं इनके बैलेंस की इनकी कवर ड्राइव्स के इनके बैक फुट और फ्रंट फुट के और उसके अलावा इनकी जो फॉर्म है उसके मौतरफ हैं और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी वो ज़ाहिर कर चुके हैं कि पहले नंबर पर सिर्फ बाबर आजम वो दुनिया क्रिकेट के बाद प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में पहले नंबर पर आ सकते हैं यानी अगर टेस्ट में देखो लबुशेन बड़ी अच्छी फॉर्म है और वार्नर टी में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं लेकिन वो अपने अपने फॉर्मेट्स में जो है वो फिक्स हैं लेकिन बाबर आजम वो वाहित बल्लेबाज़ हैं बाबर आजम में ये एबिलिटी है कि वो हर फॉर्मेट के खिलाफ हर फॉर्मेट में हर टीम के खिलाफ ना सिर्फ उस फॉर्मेट के हिसाब से ढल जाते हैं बल्कि बेहतरीन इनिंग्स खेलते हैं और मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं तो हमारी यही दुआ है जैसे कि बाबर आजम ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं हमारी भी यही ख्वाहिश है कि जल्द बाबर आज़म जो है वो टॉप पे आ जाएँ सारे फॉर्मेट्स में इसी के साथ दीजिए इजाज़त अल्लामिना से